नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एस टारगेट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की हमारा पहला चैप्टर होगा और इसमें हम बेसिक शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम पूरा पर्यावरण की वीडियो अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि मैं पूछूं व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की डेफिनेशन यदि दी जाए तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग यानी अपने अनुसार परिभाषा दी है पर्यावरण की। कैसे, जैसे जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने भौतिक पर्यावरण के रूप में डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। उसी प्रकार जो जीव वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने जैविक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है। उसी प्रकार सामाजिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक, आर्थिक एवं संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में पर्यावरण को परिभाषित किया है। लेकिन यदि हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें और एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो वह डेफिनेशन होगी कि किसी भी जीवित प्राणी, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कोई पशु पक्षी हो सकते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले अन्य जीवित प्राणी, कोई भी अन्य जीवित प्राणी, पशु पक्षी आपस में होते, इंसान हो सकते हैं, और पाए जाने वाला स्थान जिसको हम खाली स्थान बोलते हैं, पाए जाने वाला स्थान और वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं, अन्य प्रकृति द्वारा बनाए गए पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ आदि को मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की कई सारे डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन वैसे यही है, ठीक है। यदि हम कही है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, किस प्रकार है सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सामान्य शब्दों में यदि हम पर्यावरण का आशय लगाए तो क्या है, जैविक और अजैविक घटकों। पहले जैविक और अजैविक घटक ही समझ लेते हैं। जैविक घटक में जिन भी चीजों में जीवन है वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जिनमें भी जीवन है, आप में यानी मनुष्य सभी जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। अजैविक घटक के अंतर्गत में चीज़ें आएंगी जिनमें जीवन नहीं है। किन में जीवन नहीं है, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आएगी। जैविक घटक के अंतर्गत हमसे अलग यानी मनुष्य से अलग और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, पशु पक्षी, ठीक है, कीड़े मकोड़े भी जैविक घटक के अंतर्गत ही आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जिनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी बोलते हैं। इनको और अच्छे से हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। आपको जैविक और अजैविक समझ आना चाहिए, जैविक जिसमें जीवन होता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता। अब हम वापस से कहें सामान्य शब्दों में पर्यावरण का यदि हम आशय लगाए तो वो जैविक वह अजैविक घटकों और उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन प्रदान करते हैं। यदि जैविक अजैविक घटक ना हो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पर्यावरण एक प्राकृतिक जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित करने, पोषित करने और समाप्त होने में मदद करता है। यहाँ पे आपको जैविक अजैविक घटक समझ आना चाहिए, पर्यावरण की डेफिनेशन यदि दी जाए वो समझ आनी चाहिए। दूसरा, अब हम शब्द पे जाते हैं कि जो पर्यावरण शब्द है वो क्या है। यदि हिंदी वाले पर्यावरण शब्द की बात की जाए, इंग्लिश में पर्यावरण को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट। पर्यावरण शब्द जो हिंदी का है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि, दूसरा है आवरण। परी का क्या अर्थ है, चारों ओर। आवरण का मतलब है हमें चारों ओर से घेरे हुए। यदि हिंदी शब्द का मतलब हो गया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परी और आवरण, हमें चारों ओर से जो घेरे हुए है इसका मतलब आवरण का ये हो गया, ठीक है। यदि इन्वायरमेंट इंग्लिश वाले शब्द की बात करें तो ये फ्रेंच भाषा है, फ्रांस में बोली जाती है, उसके इन्वायरनियर शब्द से बना है जिसका क्या अर्थ है, घिरा हुआ। यदि आप इस शब्द का मतलब एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में इसका शब्द का मतलब दिया हुआ है पड़ोस, तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ये तो शब्दों का मतलब दिया हुआ है जो कि एक बार आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। एक बिल आया था, एक अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम था। सभी के सभी अधिनियम भी हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे पर्यावरण में, सब पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि पर्यावरण की डेफिनेशन दी जाए, उन्होंने अपने अधिनियम में ये परिभाषा दी है कि पर्यावरण किसी जीव वही है जो हमने ऊपर देखा, जीवित प्राणी, कोई भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसको यहाँ पे अजैविक को भौतिक बोलते हैं इन्होंने बस, ठीक है। यानी अजैविक को हम भौतिक भी कह सकते हैं। अजैविक में कौन कौन आएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, मिट्टी, जल, ये सब अजैविक में आएंगे यानी भौतिक में आएंगे। थोड़ा सा ही चेंज किया है 1986 में जो अधिनियम आया था,
परिभाषा में थोड़ा सा ही चेंज किया है, वैसे सेम है बिल्कुल परिभाषा। यदि मतलब पे जाएंगे तो सेम डेफिनेशन है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक यानी अजैविक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यहाँ तक आपको पर्यावरण की डेफिनेशन लिखनी आ जानी चाहिए। यदि पर्यावरण की डेफिनेशन पूछी जाए या सीधा सीधा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, चार स्टेटमेंट दिए होंगे आप जिसमें जैविक तथा अजैविक दोनों दशाएं अंतःक्रिया करते हैं, वो वाला स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संघटक। तो जैविक घटक में क्या क्या आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया, सभी के सभी जीवित प्राणी, जीवित चीज़ें जिनमें जीवन है, सभी के सभी जीवित चीज़ें जिनमें जीवन है वो जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे, और उनकी जो सभी आपस में जो जैव क्रिया करते हैं वो भी जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जंतु आएंगे, जितने भी जंतु है, वनस्पति आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। सूक्ष्म जीव इसको जानना आवश्यक है, सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े नहीं है, कीड़े मकोड़े अलग है और सूक्ष्म जीव अलग है, और मनुष्य तो बिल्कुल ही आएंगे। ठीक है, दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक में वे शब्द आएंगे जो जीवन रहित है, यानी जीवन रहित जिनमें जीवन नहीं है, उनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं भी अजैविक घटक में आएगी। चट्टाने, पर्वत, नदी, हवा, जल, वायु, ताप एवं प्रकाश, इनमें भी जीवन नहीं है। ठीक है, ये अजैविक घटक में आएंगे। तीसरा है ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक में क्या क्या आएगा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, मैंने आपको जैविक और अजैविक घटक बिल्कुल याद रखने हैं, कौन कौन से आते हैं, क्या होते हैं। अब इस आगे पढ़ने से पहले, जैविक घटक को और अच्छे से पढ़ने से पहले, ये वाला फिगर भी आप देखिए। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, स्थल मंडल, हम लोग स्थल मंडल पर रहते हैं। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, इसका क्या मतलब होता है, जल मंडल। एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल, हम स्थल मंडल पर रहते जरूर हैं लेकिन एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। स्थल मंडल पर हम रहते जरूर हैं लेकिन वायुमंडल और जल मंडल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलेगी, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, उसको उन तीनों को मिला के बोला जाएगा बायोस्फेयर यानी जीव मंडल। इसी जीव मंडल में कोई भी जीवित प्राणी रहता है। ठीक है, अभी बायोस्फेयर यानी जीव मंडल की केवल इतनी ही डेफिनेशन समझिए, जो अगला चैप्टर होगा वो जीव मंडल एवं बायोम का होगा, इसीलिए अभी थोड़ा समझ आ गया होगा तो अच्छा है। ठीक है, कोई भी मनुष्य, वापस से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मनुष्य स्थल मंडल पर रहता है लेकिन वह बिना वायुमंडल और बिना जल मंडल के जीवित नहीं रह सकता, कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य और या जीवित प्राणी। अब हम आते हैं वापस से जैविक घटक पे। जैविक घटक यानी जिनमें जीवन है, जंतु, जंतु सभी प्रकार के जंतु आएंगे, जो जल में रहते हैं वे भी आएंगे, जो स्थल में रहते हैं वे भी आएंगे। ठीक है, जंतु की यदि बात की जाए कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो लगभग 200 मीटर समतल के नीचे, मान लीजिए समतल ऐसे होता है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बढ़ के मैदान आते हैं, फिर पठार, फिर पर्वत, ऐसे आते हैं। ये होता है समुन्तल। समुन्तल से 200 मीटर की गहराई से लेके लगभग 6000 मीटर ऊपर तक जंतु पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के जंतु आते हैं जैविक घटक में। दूसरा वनस्पति। वनस्पति में भी सभी प्रकार के पौधे, पादप, वृक्ष, वन, सभी प्रकार की जितनी भी हजारों लाखों प्रजातियाँ पाई जाती है, सभी के सभी वनस्पति में सम्मिलित की जाएगी। आगे आते हैं हम सूक्ष्म जीव पे। देखिए ये, देखिए ये क्या होते हैं, इनको बोला जाता है कीड़े मकोड़े, लेकिन सूक्ष्म जीव अलग है। सूक्ष्म जीव आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण के लिए इतने महत्वपूर्ण है, जितने भी मृत पौधे जंतु हैं जो मर जाते हैं, उनको वापस से उनका पुनर्चक्रण यानी उनको वापस से रूपांतरण करने का कार्य डीकम्पोजर ही करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हिंदी में इनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये वियोजक का कार्य करते हैं, ये वियोजित करते हैं गंदे पौधे, मृत पौधे, जीव जंतु, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए इनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है। जब कोई जीव जंतु या पौधे टूटकर या मरकर नीचे गिर जाते हैं, वे बिक जाते हैं, मान लीजिए एक पशु यहाँ पे मर गया और नीचे गिर गया, इनको डिकम्पोज करने का कार्य ये सूक्ष्म जीव करते हैं, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है और ये उनसे ही अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। आगे था इसमें मनुष्य, तो मनुष्य जैविक घटक हो गई होगा, पर्यावरण का महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल मैंने आपको बता दिया, उन्हीं में सब ताप एवं प्रकाश, मृदा, सभी इन तीनों में से किसी न किसी के भाग है। जैसे मृदा, मृदा किसका भाग है, स्थल मंडल का, लेकिन उसमें उसमें जल भी होता है और वायु भी होती है, वायु के बिना भी मृदा का अस्तित्व नहीं रहेगा। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता भी किस में आएगा, वायुमंडल में आएगा। ठीक है,
उसी प्रकार हवा एवं स्थलाकृति, ये सब अजैविक घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। पर्वत हो, पठार हो, झील, नदियाँ, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इतना हो गया हमारा। अब हम आते हैं वापस से कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे सामाजिक पर्यावरण। आपको पता है कोई भी जीवधारी है वो किसी न किसी समूह के लिए या संगठन के लिए कार्य करता है। इस प्रकार वह एक सामाजिक पर्यावरण का इमर्जेंस करता है। इस प्रकार एक सामाजिक पर्यावरण का प्रकटीकरण होता है। सामाजिक पर्यावरण क्या है? सभी के सभी जीवधारी किसी न किसी समूह के लिए या किसी न किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो वह पर्यावरण बन जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जीवधारी विशेषकर मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए यानी जीवित रहने के लिए भौतिक पर्यावरण पर्वत पठार ये सब जितने भी हमने बताया आपको पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और फिर निर्माण किसका होता है? आर्थिक पर्यावरण का। ये सब ऐसे ही डेवलप होते हैं, हो गए सब पर्यावरण से ही, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार कभी वह सामाजिक पर्यावरण बन जाएगा, कभी आर्थिक पर्यावरण बन जाएगा। आगे देखिए, यदि हम भौतिक पर्यावरण की बात करें, जलवायु के आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा भूगोल में कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, और 23.5 डिग्री साउथ में जो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है, उसके बीच के क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, फिर 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यानी आकर्षक रेखा तक के क्षेत्र प्लस मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा के क्षेत्र, दोनों को जोड़ के बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66.5 डिग्री से ऊपर भी 90 डिग्री तक, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में भी दोनों को जोड़कर बोला जाता है ध्रुवीय क्षेत्र। उसी प्रकार भौतिक पर्यावरण को भी जलवायु के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण और ध्रुवीय पर्यावरण। भौतिक यानी अजैविक तथा जैविक पर्यावरण एक साथ मिलकर यदि इनको देखते हैं तो बायोम की रचना होती है। बायोम अगला चैप्टर में पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हल्का सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम, फिगर के साथ अगली वीडियो में और इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और इसमें आवास और निकेत, तो इसको मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक जंगल है, इतना बड़ा ये जंगल है, यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे अधिकांश शेर रहते हैं और यहाँ पर हिरण वगैरह रहते हैं, यानी ये क्षेत्र हो गया हिरण का और ये क्षेत्र हो गया शेर का। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या हिरण इस यहाँ पर रह सकता है? क्योंकि यहाँ पे शेरों की संख्या देखे तो हिरण यहाँ पर नहीं रह सकता, और शेरों का ये इलाका है, तो इसको बोलेंगे निकेत। यानी कोई भी ऐसी प्रजाति जो एक विशिष्ट क्षेत्र में रहती है उसको निकेत बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हिरण रहती है, इसको भी निकेत बोलेंगे। उसी प्रकार अन्य जाति रहती होगी, अन्य प्रजाति रहती होगी, पशु पक्षी किसी को भी आप ऐड कर सकते हो। इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है आवास। ठीक है, यानी एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, एक निकेत में स्पेसिफिक यानी कोई विशिष्ट प्रजाति ही रह सकती है, कोई भी दो प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती। यहाँ पर हिरण नहीं रह सकता, यहाँ पर शेर आएगा, शेरों का भी एक पर्टिकुलर इलाका होता है, वो भी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यानी यदि साइंटिस्ट को बोले कोई भी दो प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती तो ये सही है। आवास किसको इंगित करता है? संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित होता है। आवास मैंने आपको समझा देना, एक आवास के अंतर्गत कई निकेत हो सकते हैं, और निकेत एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जैविक भौतिक एवं रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उन्हीं सम्मिलित रूप को निकेत कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, कोई भी दो प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, ये सभी के सभी हमने डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।